यार मुझे ना कुछ अजीब ही सीन लग रहे हैं, और अभी इन्होंने बाहर वाला दरवाजा खोल दिया है। आई थिंक कोई ट्रेन का मसला है, और अब हमें ये बाहर से लेके जाएंगे। गोरों का वॉशरूम है ट्रेन का, आप लोगों को वॉशरूम भी दिखाते हैं कि कितने साफ सुथरे हैं इन लोगों के। ये देख सकते हैं टिशू। अस्सलाम वालेकुम, बोनस दियास, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑन माही व्लॉग्स फ्रॉम स्पेन बार्सिलोना। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। भाई आ गए एक न्यू व्लॉग के साथ आप लोगों के पास, और ये आप लोग देख सकते होंगे भाई ने अपना बैग उठाया हुआ है, और हैंडबैग, शोल्डर बैग सब मेरे पास हैं। भाई ने तैयारी श्यारी कर ली है, और इस वक्त भाई निकल रहा है ट्रेन स्टेशन के लिए, क्योंकि आई एम आउट फॉर 10 डेज मोर फ्रॉम बार्सिलोना एंड आई विल मिस बार्सिलोना। तो आप लोगों को बताना चलूँ कि भाई ने ना ड्राइविंग की थ्योरी का टेस्ट पास कर लिया था आई थिंक 2 मंथ पहले, और प्रैक्टिकल भी मेरे रहते हैं। सो अभी मैंने प्रैक्टिकल्स करने के लिए मैं जा रहा हूँ एलिकांते, मुर्सिया। एलिकांते के साथ एक गाँव है छोटा सा यकला, वहाँ पर मैं जा रहा हूँ, और वहाँ पर मैं 10 दिन स्टे करूँगा और प्रैक्टिकल्स करूँगा अपने, और उसके बाद मैं प्रैक्टिकल दूँगा 25 को। तो 25 को मेरा टेस्ट भी है। सो अभी मैं निकल रहा हूँ ट्रेन स्टेशन के लिए, मेरी 12 बजे ट्रेन है, तो ट्रेन स्टेशन पहुँचना है, मेट्रो लेते हैं और फिर ट्रेन स्टेशन पहुँचते हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों को लेके चलते हैं यकला विद मी एलिकांते एंड मुर्सिया। सो आई होप तो यू गाइस विल लाइक इट। अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो स्पेन से रिलेटेड, so you can ask me on my YouTube channel, and also you can ask me on my Instagram user handles and Facebook page। so काफ़ी इंट्रो हो गए, आप लोग तंग आ जाएंगे मेरे इंट्रो को सुन सुन के, तो बेटर है कि हम जल्दी जल्दी निकलते हैं ट्रेन स्टेशन। पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पता लग गया कि कहाँ पे जाना है। खैर इधर मसला बना हुआ है, ये मेरे साथ कोई इंडिया से हो आप लोग, इंडियन भाई हैं, ये भी बेचारे परेशान खड़े थे, तो मैंने कहा टेंशन ना लो, हम लोगों ने इकट्ठी तंग होना और इकट्ठी पहुँचे। यार ये मुर्सिया, और मैंने थोड़ा पीछे उतर जाना है मुर्सिया से, तो अभी उससे मेरी बात हुई है, तो वो कह रही थी कोई या तो बस पहले लेके जाएगी आप लोगों को, तो अभी देखते हैं क्या बनता है। मैं बहुत भागते भागते हूँ, काफ़ी मुझे यू कैन सी सीन अप सुना आ गया, और अभी वेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह लेते हैं ट्रेन या ऑटो बस और फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। यार मुझे ना कुछ अजीब ही सीन लग रहे हैं, और अभी इन्होंने बाहर वाला दरवाज़ा खोल दिया है, आई थिंक कोई ट्रेन का मसला है, और अब हमें ये बाहर से लेके जाएंगे। ये देख सकते हैं, अब ये जहाँ से मैं एंटर हुआ ना, तो दूसरी साइड से हमें एंटर कर रहे हैं। अब देखो क्या बनता है, कौन सी बस में बिठाते हैं। मेरे साथ 2 भाई इंडियन है, वो कहते हैं भाई हमारे साथ साथ ही रहना, हमने गुम हो जाना, वो भी नए आए हैं। ये देखो ये भाई पीछे हंस भी रहा है तो मैंने कहा यार तुम लोग ना ओला ओला करते रहना, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या बनता है। यार एडवेंचर ही होने वाला आज मेरे साथ भी कोई ना कोई, तो मैंने कहा व्लॉगिंग शुरू कर दें, 10 दिन आप लोगों को मुर्सिया शुरसिया दिखाएंगे, धक्के खिलाएंगे आप लोगों को अपने साथ। दुआ कीजिएगा भाई का लाइसेंस पास हो जाए बस, और यार सब्सक्राइब कर दिया करो भैंस के आँख, तुम लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते मेरे यूट्यूब चैनल को। मेहनत कर करके मर जाता हूँ मैं तुम लोगों के लिए वीडियोज़ बना के स्टडी वीज़ा से रिलेटेड। चलिए बाहर निकल के देखते हैं क्या बनता है। सो यार पता नहीं अब ये कहाँ लेके जा रहे हैं, इन्होंने बाहर निकाल लिया हमें, गिनती कर लिया हम सब के भेड़ बकरियों की तरह। क्या हो आप लोगों को, हम अब लेके चलते हैं मुर्सिया एलिकांते, और लेट्स सी वो खड़ी वो बस है, वो देखिए इट्स बस, आई थिंक ये इस बस में जाएंगे जी हम लोग, पता नहीं कहाँ तक जाएंगे ये नहीं पता। चलिए बैठते हैं बस के अंदर फिर। सो ये हमारी है बस, ट्रेन से हम आ गए हैं बस के ऊपर, और लेट्स सी क्या बनता है, कोई आइडिया नहीं है कैसे जा रहे हैं किस तरह, बस जैसे ये धकेली जा रहे हैं वैसे जाई जा रहे हैं, और अभी ये बस फुल होगी और फिर हम निकलेंगे इंशाल्लाह मुर्सिया के लिए।
सो अभी उसने बताया कि एक घंटे का ट्रिप है हमारा बस के अंदर और देन वी विल गो बाय ट्रेन. सो लेट्स सी, अभी एक घंटा हम करते हैं बस के ऊपर और देन वी विल गो ऑन ट्रेन. सो मेरी बस मेट आप मिल सकती हैं, छोटी सी मेरे साथ बैठी है, तो अभी निकलते हैं. अभी हम पहुंच गए हैं ट्रेन स्टेशन, आई थिंक एक घंटा 30 मिनट मुसाफत के बाद. और अभी देखते हैं, हम जा रहे हैं अंदर और ट्रेन पकड़ते हैं, फिर आप लोग आगे जाके मिलते हैं. ट्रेन चल पड़ी है. मुझे प्यास लगी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने कहा मैं कुछ पीने के लिए बाय कर लूँ. आई थिंक 1.5 घंटा लगे हम तारागोना से थोड़ा सा आगे आ गए और वहाँ से हमें ट्रेन मिली है बैठने के लिए. और अभी हम निकल गए हैं विलहीना के लिए, विलहीना कह लें बिलहीना कह लें उसे. और अभी देखते हैं ये ट्रेन. काफ़ी सफ़र पड़ा और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, क्योंकि रात को मुझे नींद नहीं आई. और अभी वलेंसिया पहुँचे हैं, क्योंकि आप लोगों को बताया था पहले कि पहले बस में आए हैं फिर ट्रेन ली है, और मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही. अभी मैंने आगे काफ़ी जाना है, यकला जाना है. चलें मिलते हैं आप लोगों को इंशाल्लाह. थोड़ा सा ट्रेन का भी टूर करवाता हूँ अभी, और फिर आप लोगों को अपनी जर्नी दिखाते हैं 10 दिन की जो कि गुजरेगी यकला के अंदर. इंशाल्लाह लाइसेंस पास हो जाए बस. अगर लाइसेंस पास ना हुआ तो बुरे हालात हो जाएंगे मेरे, तो सारे लोग देख रहे हैं मुझे ऐसे घूरे निकाल के कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ कैमरे पे. सो लेट्स सी. कोई 15-20 मिनट के अंदर अंदर, तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना लें. ये इनका कैफेटेरिया है, आप गोरों की ट्रेन भी चेक कर सकते हैं, मतलब कि साफ़ सुथरी हैं बिल्कुल. कैफे बना हुआ है अंदर, आराम से आप आएँ, कॉफ़ी शॉफ़ी बाय करें, फ्रेश सब कुछ फ्रेश मिलेगा आप लोगों को. कोई भी वो नहीं है कि आपको आप यहाँ से वो खुदिया ले लें, फॉर एग्जांपल बर्गर ले लें, कुछ भी ले लें, तो आपको सब फ्रेश मिलेगा. साफ़ सुथरा निज़ाम है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा ट्रेन का. बस का भी ऐसे एक्सपीरियंस होता है, मगर बस में आप बाय नहीं कर सकते कुछ भी है. थोड़ा सा मुझे फिर लाइट का इशू हो रहा है गोप्रो के साथ, क्योंकि ट्रेन के अंदर लाइट्स का थोड़ा सा इशू रहा है. बाहर बहुत अच्छा खूबसूरत सीन है, तो मैं आपको थोड़ा सा ट्रेन का टूर भी करवाता हूँ. और साथ गोरों का वाशरूम है ट्रेन का, आप लोगों को वाशरूम भी दिखाते हैं कि कितने साफ़ सुथरे हैं लोगों के. ये देख सकते हैं टिशू है, पानी है, लेकिन साफ सुथरा, कोई गंद नहीं है यहाँ पे, कोई इशू नहीं है. घास भी लगाया हुआ है लोगों ने, मतलब कि यार ये गोरे फुल तरक्की में है, सफाई भी है, सब कुछ है, ओके है इनकी लाइफ में.
हमारी ट्रेनों में चले जो भैंस की यहाँ अंदर इंटर होने को दिल नहीं करता, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और कोई क्वेश्चन हो स्पेन से रिलेटेड, स्टडीज से रिलेटेड, यूरोप से रिलेटेड, सो यू कैन आस्क मी ऑन माई यूट्यूब चैनल और यू कैन आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम। सोशल मीडिया के जो यूज़र हैंडल्स हैं वो मेरी स्क्रीन पे होंगे, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यार पहुंच गए हैं वियना। वियना अब देखते हैं क्या बनता है, वो आई है लेने या नहीं आई, और कुछ भी नहीं पता अभी तक, तो लेट्स सी एंड वेट इफ समवन कम्स और नॉट। पाँच छः घंटे का सफ़र था, ऑलमोस्ट करीब 6:30 होने वाले हैं, और थक चुका हूँ काफ़ी, भूख भी बहुत लगी हुई है। अब जाके देखते हैं खाना छाना का क्या हिसाब किताब है। ये बता रहा था हमें कि यहाँ पे कोई हलाल रेस्टोरेंट भी नहीं है, और हलाल करने से ही ज़रूर है, मतलब कि मीट शॉप जिसको हम कहते हैं किसाई, वो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अभी बिल्कुल ले रहे हैं यकला की, इंशाल्लाह आप लोगों को यकला भी दिखाते हैं, और आप लोग भी जर्नी देखते रहिएगा कि लाइसेंस कैसे पास होता है, होता भी है या नहीं, नाम भी याद रखिएगा।